नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर में शनिवार को घर घर से कूड़ा उठाने के लिए फिर से हंगामा हुआ। इस मामले में कई दिनों से शांत नजर आ रहे वाल्मीकि समाज ने पालिका प्रशासन के खिलाफ शनिवार को वाल्मीकि महापंचायत की ओर सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंप कर मामले को निस्तारित करने की मांग उठाई। वाल्मीकि समाज के नेता गुरु गौहर वाल्मीकि के नेतृत्व में विरोध किया गया। शहर के वार्डों में निजी तौर पर घर घर से कूड़ा उठाने वाले वाल्मीकि समाज के लोगों ने पालिका द्वारा दिल्ली की कंपनी को डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के लिए दिए गए ठेके का विरोध किया। गुरु गौहर वाल्मीकि ने बताया कि पालिका चेयरपर्सन विनाक्षी स्वरूप और ईओ प्रज्ञा सिंह सहित सिटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में समस्या के समाधान के लिए पालिका प्रशासन को 3 दिन का समय दिया गया था। वह पूरा हो गया है, लेकिन कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। इससे समाज में रोष है। इसको लेकर वाल्मीकि महापंचायत टाउन हॉल मैदान में बुलाई गई। उन्होंने कहा कि आज महापंचायत में सिर्फ 101 सफाई कर्मचारियों को ही बुलाया गया है। आखिरी बार जिला प्रशासन से इस मामले में अनुरोध किया जा रहा है, यदि सफाई कर्मचारी और वाल्मीकि समाज के सदस्यों की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन छेड़ दिया जाएगा। वाल्मीकि समाज के लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। डोर टू डोर कलेक्शन का विरोध करते हुए कंपनी को वापस भेजे जाने की मांग की गई। सिटी मजिस्ट्रेट विकास कश्यप को ज्ञापन सौंपा गया। नहीं, हमें भी शौक नहीं है कि डेली हम इकट्ठा हों, हमें भी सब लोगों को काम है, लेकिन प्रशासन जब हमारी बात सुनेगा, कुछ समाधान निकालेगा, जब तो हम भी शांत बैठेंगे। लेकिन हमारा लगातार धरना प्रदर्शन निरंतर चलता रहेगा जब तक ये कंपनी चलेगी। हम लोगों का सफाई कर्मचारी, जो ये स्वतंत्र सफाई कर्मचारी है, जब तक इनका समाधान नहीं निकल जाता, हम लोग निरंतर धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। लगातार मीटिंगें चलती रहेगी। और आज हमने सिर्फ ये जो 102 सफाई कर्मचारी है, हमने उन्हें बुलाया था सिर्फ यहाँ पे, और हम ये जानना चाह रहे थे भाई इनसे कि किस तरीके से तुम्हारा समाधान निकाले। तो हमने जो हमारी मांग है वो हमने शासन प्रशासन के आगे आज हम रख देंगे इस चीज़ के लिए, जो जो हमारी मांग है। और आज ये सफाई कर्मचारी सब लोग इकट्ठा हुए थे। अगर इनकी अब भी हमारी कुछ मांग नहीं अगर मानी जाती है तो हम फिर एक आंदोलन होगा मुजफ्फरनगर शहर में, बहुत बड़ा आंदोलन होगा पूरे वाल्मीकि समाज का। विवाद हमारा यह है, जैसे पहले कंपनी ए टू जेड आई थी, आरके कंस्ट्रक्शन कंपनी आई थी, ए टू जेड कंपनी 7 महीने का वेतन लेकर सफाई कर्मचारियों का भाग गई थी, और आरके कंस्ट्रक्शन 4-4 महीने का महिलाओं का पैसा लेकर भाग गई थी। हमारा विवाद यही है कि ये या तो इसकी जिम्मेदारी ली जाए कि कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा। हमें लिखित तौर पर चाहिए इन्हें नियुक्ति पत्र दिए जाएँ, और जितनी सैलरी सुविधा वाला भी इतना ही काम करता है, और प्राइवेट वाला जो कंपनी का है वो भी इतना ही काम करता है, जो सुविधा वाले की तनख्वाह होती है वो इन्हें कर्मचारियों को दी जाए 22,500 रुपये। और जो ठेका कर्मी हमारे हैं उनके साथ भी यहाँ पर नगर पालिका के थ्रू जो है धोखाधड़ी की जा रही है। पहले उन्हें ठेके में यहाँ पर नगर पालिका में लगा लिया गया था, अब उन्हें जो है कंपनी में पूछा रहे हैं कि तुम कंपनी के कर्मचारी हो, तो हम ये भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वाल्मीकि समाज एकजुट हो चुका है। अगर ये नगर पालिका अब भी नहीं सुधरी तो एक आंदोलन होगा बहुत बड़ा, और जिसका जिम्मेदार स्वयं शासन प्रशासन व यहाँ के लोग होंगे। सफाई कर्मचारियों ने कंपनी के साथ कार्य कर रही है। सफाई कर्मचारी नहीं है वे, समाज के लोग हैं, अदर समाज के भी लगे हुए हैं। समाज के लोग जो लड़के उसमें लगे हुए हैं, बेचारे बेरोजगार हैं, क्या करेंगे, अपना काम कर रहे हैं वे, लेकिन वे सब लोग समाज के साथ हैं। वे बोल रहे हैं सब लोग, हमारी उनसे भी बात हो चुकी है कि जिस दिन आप कहोगे हम गाड़ी बिल्कुल छोड़ देंगे, गाड़ी खड़ी कर देंगे हम उनकी। अगर कल को अगर हम कोई गहरा कदम अगर वाल्मीकि समाज उठाता है तो उसका स्वयं प्रशासन और नगर पालिका अपने आप जिम्मेदार होगा। वक्त तो चला है आपसे विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, देखते रहिए हलचल इंडिया। हलचल इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।